कोटा को दीपावली के मौके पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 700 करोड़ के 21 विकास कार्यों की बड़ी सौगात देकर कोटा की दीपावली को खास बना दिया है। ट्रैफिक लाइट फ्री, आवागमन, चिकित्सा, पर्यटन सहित अन्य जन उपयोगी विकास कार्यों का तोहफा आज कोटा को सीएम अशोक गहलोत ने देते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विकास के विजन को खुले दिल से सराहना करते हुए कहा कि मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में अद्भुत अकल्पनीय विकास करवाकर कोटा को विकास का मॉडल बना दिया है। उन्होंने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा कोटा में पर्यटन के क्षेत्र में करवाए जा रहे चंबल रिवर फ्रंट सहित अन्य पर्यटन विकास के कार्यों को भी सराहा और कहा कि कोटा जल्द पर्यटन नगरी बनने जा रहा है। सीएम गहलोत ने कोटा में जल्द एयरपोर्ट आए इसको लेकर भी कहा है कि वो जल्द ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से वार्ता कर एयरपोर्ट जल्द मिले इसके लिए प्रयास करेंगे। कोटा को सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई बड़ी सौगातों पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आभार जताते हुए कहा है कि जिस संकल्प के साथ विकास कार्यों को हाथ में लिया गया था वो समय पर जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास सहित अन्य विकास कार्य भी जल्द पूरे होने जा रहे हैं। कोटा में रोजगार और व्यापार में बढ़ोतरी के साथ कोटा शहर आधुनिक शहर के साथ विकास का मॉडल बनेगा। लोकार्पण समारोह के दौरान जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा, यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा, शासन सचिव जोगाराम सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कोटा में यूआईटी ऑडिटोरियम में वर्चुअल लोकार्पण समारोह के दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता, समाज सेविका डॉक्टर एकता धारीवाल, जिला अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, मेयर मंजू मेहरा, राजीव अग्रवाल, कार्यक्रम के दौरान संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, कलेक्टर ओपी बुनकर, सचिव राजेश जोशी सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। तो एक साथ में लोकार्पण संभव हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले धारीवाल जी को, तमाम कोटावासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि काम हुए जो बताए गए हैं अभी प्रेजेंटेशन के अंदर, ये कोई मामूली काम नहीं है। जिस तरह के काम थे, जिस तरह के सुविधाएँ हमें लगेगी, ये एक अद्भुत काम हुए। क्योंकि अभी धारीवाल कह रहे थे बरसात के अंदर किसी भी कॉलेज पानी नहीं भरा सड़कों पर, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर देखते हैं कि बरसात आते तक दिल्ली हो रहा है जानी, और जयपुर हो, अधिकांश जगह पानी भर जाता है। लोगों में आलोचना होती सरकारों की कि बरसात आते ही गोल खुल जाती सरकारों के कामों की। ऐसे वक्त में जो योजनाबद्ध तरीके से अनुभव भट्टे जी के सहयोग से धारीवाल जी ने जो बीड़ा उठाया, और स्वाभाविक है कि उनका अपना जन्म स्थान भी है, अपना कार्य क्षेत्र भी है, उनका संकल्प भी था कि जिस प्रकार से मैं अपने कोटा को एक नया स्वरूप प्रदान करूँ। कोशिश की, सबसे पहले मैंने आर्किटेक्ट भट्टिया जी से कॉन्टेक्ट किया और उनके साथ सालों एक साल तक लगातार बैठ करके कुछ योजनाएं बनाने का प्रयत्न किया। कोटा राज्य की औद्योगिक नगरी के साथ साथ देश की प्रमुख शिक्षा नगरी है और अब विश्व की पर्यटन नगरी बनने जा रही है। पूरे कोटा शहर को ट्रैफिक लाइट, फ्लाईओवर बनाए गए, 3 अंडरपास बनाए गए, और तारीफ इस बात की है कि 3 अंडरपास में 1350 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश कोटा में इस बार हुई, लेकिन एक एमएम भी जो है वो बारिश पर पानी उसमें नहीं रुक पाया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय श्री शांति धारीवाल जी, यूडीएच मंत्री महोदय ने कोटा शहर को 21 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास का की सौगात दी है। मैं समझता हूँ दिवाली के लिए इससे बड़ा गिफ्ट दिवाली कोटावासियों को हो नहीं सकता, और लगभग 700 करोड़ रुपये का जो गिफ्ट है वो कोटावासियों को बहुत पसंद आएगा। सभी कार्य जिस तरह से तैयार किए गए हैं कोटा को एक टूरिज्म क्षेत्र में स्थापित करने में मदद करेंगे। फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और कई कामों के विकास हुए। इसके अलावा भी जो दो तीन जो महत्वपूर्ण काम है, जो चंबल रिवर फ्रंट है, कोटा का सिटी पार्क, ऑक्सीजन है, इनके जब लोकार्पण हो जाएंगे, जो 3-4 काम बचे हुए हैं, मेरा ये मानना है कि कोटा पूरे हिंदुस्तान में, जिसे पहले औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, बाद में इसको शिक्षा नगरी के नाम से आज जाना जाता है, लेकिन आने वाले
दिनों के बाद या लोकार्पण होने के बाद कोटा पूरे राजस्थान में ही पूरे हिंदुस्तान में पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाएगा और पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे उसको कोटा को देखने आएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जी कोटा के 20 कार्यों का लोकार्पण और एक विकास कार्य का जो शिलान्यास किया गया है, ये दीपावली के शुभ अवसर पर कोटावासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। ये तो अभूतपूर्व विकास हुआ है और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर इस लेवल का विकास कहीं पे भी नहीं हुआ। एक साथ 3 साल के अंदर, जिसमें 2 साल तो कोरोना के भी निकल गए और उसके बाद तय समय पे जो आज शिलान्यास लोकार्पण हुए हैं वो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। और जब जब कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के अंदर प्रतिनिधित्व मिला है और जब जब कोटा की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, चाहे 2008 का देख लो और फिर ये 2018 और 2098 के अंदर भी, मतलब 3 बार के कार्यकाल के अंदर जो जिस तरीके के विकास कार्य हुए हैं वो आज तक किसी दूसरी सरकार के अंदर नहीं हुए।